मित्रों, कशिंग सिंड्रोम की एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर और डायग्नोसिस, यह समझने के बाद आइए डिस्कस करते हैं कि किसी कशिंग सिंड्रोम के केस को मैनेज किस प्रकार से करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ए केस ऑफ कशिंग सिंड्रोम, देखिए मैनेजमेंट तो इस बात पर निर्भर करता है कि उस पेशेंट में कशिंग सिंड्रोम का कारण क्या है। हम जानते हैं कि एक्सोजेनस कशिंग तो कॉमनेस्ट कॉज है, लेकिन यहाँ पे कारण बाहर से ली जाने वाली टैबलेट है, तो स्वाभाविक रूप से उसको बंद कर दें, कुछ समय लगेगा उसका प्रभाव समाप्त होने में, कुछ समय लगेगा सिम्टम्स को रिग्रेस होने में, और क्रमशः जो रोगी है उसको लाभ आता जाएगा। तो एक्सोजेनस कशिंग सिंड्रोम का तो रेमेडी विड्रॉल ऑफ दैट एक्सोजेनस सोर्स, लेकिन एंडोजेनस कशिंग सिंड्रोम जिसका कि कॉमनेस्ट कॉज है पिट्यूटरी ACTH प्रोडक्शन कशिंग डिजीज, या उससे कम एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम, या उससे भी कम एड्रिनल एडिनोमा, इन केसेस में जहाँ पर जो कॉज हो, जहाँ का ट्यूमर हो जो कॉर्टिसोल को हाइपर सिक्रीशन कर रहा है, उसको हमें रिमूव करना है। रिमूव करना बहुत आवश्यक है, ट्रीट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके कॉम्प्लिकेशंस, जिसके शरीर पर प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होती है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते। आइए इनको एक एक करके इनके मैनेजमेंट को समझते हैं। तो मैनेजमेंट प्रत्येक कॉज का उस कॉज के अनुसार बदलता जाएगा। कशिंग डिजीज मतलब ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम, और ACTH भी कहाँ से, पिट्यूटरी से, यूटोपिक ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम। फीमेल्स में मेल्स की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होता है डिसऑर्डर, अधिकतर यंग एडल्ट्स में होता है 20-40 ईयर्स के बीच में। स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं जो कि काफ़ी समय तक स्लोली प्रोग्रेसिव होता रहता है, और माइल्डर जो फीचर्स लंबे समय तक मिलते रहते हैं। केवल कॉर्टिसोल ही मुख्य रूप से थोड़ा एंड्रोजेंस बढ़े होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इनमें ज़्यादा नहीं होती, ACTH लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते इसलिए हाइपरपिगमेंटेशन नहीं मिलता, मिनरलोकॉइड्स ज़्यादा सिक्रीट नहीं होते इसलिए हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस नहीं मिलती, और जो एंड्रोजेनिक मैनिफेस्टेशंस हैं वह सब भी अगर होते हैं तो बहुत ही माइल्ड नेचर के होते हैं। तो एक माइल्डर डिसऑर्डर पिट्यूटरी ACTH हाइपर सिक्रीशन का, जिसके 90% केसेस में पिट्यूटरी माइक्रोएडिनोमा मिलता है। तो अगर पिट्यूटरी माइक्रोएडिनोमा है, जिसको कि हमने पिट्यूटरी MRI से कंफर्म कर लिया कि किस साइड में कितना बड़ा एडिनोमा है, इसको ट्रांस स्फेनोइडल हाइपोफिजेक्टमी के थ्रू इसको रिमूव किया जा सकता है। तो एक नॉस्ट्रिल से हमने एंडोस्कोप डाला, एक नॉस्ट्रिल से हमने क्यूरेट डाला, और हाफ पिट्यूटरी जिधर माइक्रोएडिनोमा है उस माइक्रोएडिनोमा को हमने उससे स्कूप आउट करके निकाल लिया। ट्रांस स्फेनोइडल, स्फेनोइडल बोन के थ्रू नीचे से प्रेस करके हम पिट्यूटरी में पहुंच रहे हैं, और हाइपोफिजेक्टमी जो पिट्यूटरी का एक पार्ट को रिसेक्ट आउट करके हम निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से कशिंग डिजीज का, पिट्यूटरी एडिनोमा का जो मैनेजमेंट है वह ट्रांसस्फेनोइडल हाइपोफिजेक्टमी, जिसमें अगर माइक्रोएडिनोमा है तो अधिकांश पेशेंट्स रेमिशन में चले जाते हैं, कॉर्टिसोल लेवल ACTH लेवल उनके नॉर्मल आ जाते हैं। अगर मैक्रोएडिनोमा है जो 10% केसेस में होता है, उसमें रिकवरी रेट, रेमिशन रेट कम है, अर्थात पूरी तरह से ACTH नॉर्मल नहीं आ पाता, और वह पेशेंट या थोड़ी एक्टिविटी में बना रहता है या उसका जो रिलैप्स वह जल्दी हो जाता है। तो किसी भी केस में जब हम पिट्यूटरी ट्यूमर को ऑपरेट करते हैं, तो पिट्यूटरी ट्यूमर को ऑपरेट करने के बाद भी बहुत समय तक जो नॉर्मल पिट्यूटरी है वह सप्रेस्ड बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड से हाइपर सिक्रीशन कॉर्टिसोल का था, वह निगेटिव फीडबैक से जाके पिट्यूटरी को सप्रेस कर रहा था। तो रेस्ट ऑफ द पिट्यूटरी तो सप्रेस हो गई, लेकिन जो एडिनोमा था वो अनसप्रेस्ड रहा। तो लंबे समय तक नॉर्मल पिट्यूटरी सप्रेस्ड बनी रहती है, इसके कारण से जब हम ट्यूमर को रिसेक्ट आउट कर देते हैं तब भी हमारी नॉर्मल पिट्यूटरी ACTH रिलीज करना तुरंत शुरू नहीं करती, इसलिए सर्जरी के बाद काफ़ी समय तक पेशेंट हाइपोकॉर्टिसोलिज्म की स्टेज में रहता है।
जिसके लिए हमें बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्लीमेंटेशन हाइड्रोकॉर्टिसोन के रूप में देना पड़ता है। तो यह ध्यान रखने की बात है, यह ना सोचा जाए कि कशिंग सिंड्रोम का केस है, हमने रिसेक्ट आउट किया ट्यूमर और उसके बाद पेशेंट ठीक हो गया। नहीं, पेशेंट ठीक हुआ लेकिन उसकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी कुछ समय तक हमको बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देके पूरी करनी पड़ेगी, जब तक कि हमारी नॉर्मल ग्लैंड दोबारा फंक्शन आरंभ ना कर दे। तो इस प्रकार से जो माइक्रोएडिनोमा में सक्सेस रेट अच्छी है, माइक्रोएडिनोमा में सक्सेस रेट कम है, उन्हीं केसेस में रिकरेंस ज़्यादा होता है। अगर रिकरेंस हो रहा है तब ऐसे पेशेंट्स में यह रेडियोथेरेपी करके हम उसको रिमेनिंग ट्यूमर को दोबारा बर्न आउट कर सकते हैं। तो यह तो केसेस थे कशिंग डिजीज के। अब जो दूसरा ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम का कॉज है वो है एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन, लगभग 15% केसेस में जो होता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि यह डिसऑर्डर जिस जो मेल्स और फीमेल्स पे कॉमन होता है, मतलब रिलेटिवली मेल प्रिपोंडरेंस है थोड़ा सा एल्डरली एज ग्रुप में। कशिंग डिजीज में स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर था, लंबे समय तक चलता था, ये थोड़ा रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है। उसमें ACTH की माइल्डली एलिवेटेड लेवल्स थे, यहाँ पे ACTH माइल्डली एलिवेटेड, मोर देन 90 हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये माइल्डली एलिवेटेड ACTH लेवल्स होते हैं, इसमें रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है, साथ में एंड्रोजन प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोडक्शन वह भी ज़्यादा होता है। इसलिए इन केसेस में सिम्टोमेटोलॉजी कशिंग डिजीज की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। किस प्रकार से, जो जनरलाइज फीचर्स हैं, जनरलाइज वीकनेस, हाइपरटेंशन, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस के, वह तो ज़्यादा होते ही हैं, साथ में ACTH का लेवल बहुत ज़्यादा है इसलिए हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, DOC या मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण से हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस की चेंजेस बहुत ज़्यादा है। एक लार्ज ट्यूमर है, रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है, मेटास्टेसिस वगैरह भी हो रही है, इसके कारण से वेट लॉस, एनीमिया, कैकेक्सिया यह इनमें ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक कार्सिनोमा जो रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर वाला, एक माइल्डर बेनाइन ट्यूमर्स स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर्स वाले, तो रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर वाले के सबसेट में फ्लोरिड पिक्चर मिलती है, रैपिडली प्रोग्रेसिव नेचर का और सिम्टोमेटोलॉजी ज़्यादा होने का, हाइपरकैलेमिया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज़्यादा होने का, या जो ट्यूमर है इसमें सिम्टोमेटोलॉजी ज़्यादा है और एग्रेसिव करेक्टर ज़्यादा है इसका, जिसको हमें बहुत केयरफुली ट्रीट करना है। 20% केसेस में जहाँ पे बेनाइन ट्यूमर होते हैं, यह माइल्डर लेवल ऑफ ACTH, माइल्डर लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यह कशिंग सिंड्रोम, कशिंग डिजीज जैसे ही लगते हैं, और उसी के प्रकार ब्रोंकियल कार्सिनोइड वगैरह जो उनको ऑपरेट किया जा सकता है। तो अगर हमें एक्टोपिक ACTH, चाहे वो मेलिग्नेंट हो चाहे वो बेनाइन हो, दोनों केसेज में अगर ट्यूमर लोकलाइज हो गया, सीधे सीधे उसको रिमूव कर दें। अगर ट्यूमर लोकलाइज नहीं हुआ या उस पेशेंट की कंडीशन इतनी सिक है कि वो सर्जरी नहीं अफोर्ड कर सकता है, उस केस में बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी कर देते हैं। ट्यूमर रिमूव कर पाए तो डिबल्किंग कर दी, और अगर नहीं कर पाए तो हमने बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी कर दी, सोर्स ऑफ स्टेरॉइड प्रोडक्शन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोडक्शन वो हमने बंद कर दिया। ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम के बाद आते हैं हम ACTH इनडिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम में। एड्रेनल में भी दो पैथोलॉजीज, एडिनोमा, कार्सिनोमा। एडिनोमा बेनाइन, स्लोली ग्रोइंग, माइल्डर हाइपरकॉर्टिसोलिज्म, कार्सिनोमा लार्जर ट्यूमर, रैपिडली ग्रोइंग, मार्क्ड लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, साथ में एंड्रोजेंस। तो एडिनोमा क्या है, ग्रेजुअल ऑनसेट का माइल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, हाइपरकॉर्टिसोलिज्म माइल्ड और एंड्रोजन इफेक्ट्स कम, जबकि कार्सिनोमा रैपिडली ग्रोइंग, एक्सेसिव सिक्रीशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन का भी सिक्रीशन, जिसके कारण से मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज़्यादा होने से हाइपोकैलेमिया और एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होने के कारण से हर्सिटिज्म।
तो इसके साथ साथ कार्सिनोमा है, सिस्टमिक फीचर्स भी इसमें ज़्यादा होंगे, एब्डोमिनल पेन, समटाइम्स लार्ज मास हो सकता है जिसकी मेटास्टेसिस मिल सकती हैं। तो एड्रिनल एडिनोमा और एड्रिनल कार्सिनोमा जो दो मेन कॉजेज हैं ACTH इंडिपेंडेंट ट्यूमर के, इसमें मैनेजमेंट क्या होगा? ट्यूमर हमने विजुलाइज किया एड्रिनल CT करा के, CT एब्डोमेन करा के, और हमने देखा कि यूनिलैटरल एड्रिनल मास है, चाहे एडिनोमा या कार्सिनोमा, उसको रिसेक्ट आउट कर दिया। लेप्रोस्कोपिकली कर ले तो और भी मॉर्बिडिटी सर्जरी की कम रहेगी, और अधिकांश केसेस में तो अच्छा रिमूवल हो जाता है और सीरम कोर्टिसोल लेवल नॉर्मलाइज कर जाते हैं। कुछ केसेस में कार्सिनोमा वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे फुल हमें ट्यूमर रिमूवल भी कई बार नहीं हो पाता और उसके सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं। याद रखिए, क्रशिंग सिंड्रोम में हमने डिस्कस, क्रशिंग डिजीज में हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी एडिनोमा निकालने के बाद रिमेनिंग पिट्यूटरी बहुत समय तक सप्रेस रहती है, वो ACTH नहीं बना पाती, जिसके कारण से बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने पड़ते हैं। यही यहाँ पर भी होता है कि यूनिलैटरल एडिनोमा है तो सपोज राइट साइड में, लेकिन उससे कोर्टिसोल सिक्रीशन इतना हो रहा है कि उसके कारण से ACTH सप्रेशन हुआ, और ACTH सप्रेशन के कारण से कॉन्ट्रालैटरल एडिनल जो थी वो सप्रेस हो गई। तो हमने इधर का ट्यूमर तो निकाल दिया, लेकिन कंट्रालैटरल एड्रिनल जो है वो तुरंत रिवाइव नहीं की, क्योंकि काफ़ी समय तक सप्रेस रहते रहते वो एट्रोफीड हो गई। तो इस केस में भी ट्यूमर रिमूवल के बाद एकदम से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, सीरम कोर्टिसोल के लेवल्स कम हो जाएंगे। तो अगर हमने ध्यान ना दिया तो पेशेंट एड्रिनल क्राइसिस में चला जाएगा। तो क्रशिंग डिजीज में पिट्यूटरी एडिनोमा निकाला या लोग यूनिलैटरल एड्रिनल एडिनोमा, कार्सिनोमा में हमने यूनिलैटरल एड्रिनल ग्लैंड निकाली, कंट्रालैटरल ग्लैंड को फंक्शनल होने में टाइम लगेगा, इस पीरियड में हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट बाहर से देते रहना होगा, और हम समय समय पे और कोर्टिसोल लेवल चेक करके देखते रहें। जब तक कोर्टिसोल लेवल हमारे 7.5 माइक्रोग्राम पर डीएल से कम रहे, तब तक हमें हाइड्रोकॉर्टिसोन सप्लीमेंटेशन बाहर से देते रहना होगा। जब वो सिग्निफिकेंट लेवल पे आ जाएं, तब हाइड्रोकॉर्टिसोन हम बाहर से बंद करेंगे। अब यही चीज़ कार्सिनोमा की अगर होगी तो कार्सिनोमा के केस में सर्जरी तो हम कर देंगे, लेकिन कई बार सर्जरी के बाद रिकरेंस ज़्यादा होता है, जो रिमेनिंग ट्यूमर रह जाता है, इसके लिए हम कुछ मेडिसिंस भी यूज़ करते हैं, या इनऑपरेबल केस है उस केस में एक एंटी कैंसर ड्रग जो कि एड्रिनोलिटिक ड्रग कहलाती है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल टिश्यूज की लिसिस करने वाली माइटोटिन, उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि अगर क्रशिंग डिजीज है तो ट्रांसस्फेनोइडल हाइपोफिजेक्टमी, अगर एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो उसका रिसेक्शन, अगर एड्रिनल एडिनोमा है या कार्सिनोमा है तो उसका लेप्रोस्कोपिकली रिमूवल। जो केसेस एड्रिनल कार्सिनोमा के रिस्पॉन्ड ना कर रहे हों उनमें एड्रिनोलिटिक ड्रग माइटोटेन। तो मेडिकल मैनेजमेंट कुछ ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल्स को कम करने के लिए, या तो केस इनऑपरेबल हो, या एड्रिनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा हो, या बहुत ही फ्लोरिड क्रशिंग सिंड्रोम हो जिसमें कि अनकंट्रोलेबल फीचर्स हो रहे हो, तो फॉर टाइम बीइंग हम कुछ ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या है? तो वह ड्रग जो हमारे एड्रिनल से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस को सप्रेस कर रही हैं, वह ड्रग कौन कौन सी? मेटायरोपोन, कीटोकोनाजोल और इटोमिडेट। यह तीन ड्रग्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस को सप्रेस करती हैं। तो मेटायरोपोन क्या करती है? वह 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को सप्रेस करती है। तो यदि हमने ये ड्रग दी तो इस एंजाइम के सप्रेशन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस कम हो जाएगी, उससे पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। कीटोकोनाजोल यह भी बहुत सारे एंजाइम्स को सप्रेस करती है, तो इससे भी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल को कम करके उसके मैनिफेस्टेशंस रोक सकते हैं, और यही रोल इटोमिडेट का है। तो यह तीनों ड्रग्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस को घटा के और टेम्परेरी रिलीफ
कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स में दे सकते हैं। अब आते हैं माइटोट्रिन, जो हम लोगों ने ड्रग अभी डिस्कस की थी, एड्रिनल कार्सिनोमा का केस। ये है एड्रिनोलिटिक ड्रग जो एड्रिनल सेल्स की लिसिस करती है, एंटी कैंसर ड्रग है, और यह एड्रिनल ग्लैंड में जाके ये नहीं देखती कि क्या क्या लिसिस कर रही है, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी, एड्रिनल मेडुला भी, उसमें एल्डोस्ट्रॉन बनाने वाली सेल्स भी, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाने वाली सेल्स भी, सबको के लिसिस करती है। तो मेलिग्नेंसी के लिए बहुत लाभदायक है कि मेलिग्नेंट सेल्स को मारा लेकिन साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी किल करती है। लेकिन माइटोटेन को हमें इनऑपरेबल केसेस में या रिकरेंस वाले केसेस में देना पड़ता है। कुछ और ड्रग्स जैसे सोमेटोस्टैटिन एनालॉग। अच्छा, सोमेटोस्टैटिन क्या है? टोटल एंडोक्रीन पॉइजन। इसको देने के बाद सारी एंडोक्रीन सेल्स जो हैं उनको ये सप्रेस करती है। तो विशेष रूप से अगर हमें पिट्यूटरी से ACTH को सप्रेस करना है तब हम सोमेटोस्टैटिन एनालॉग जैसे ऑक्टियोटाइड, लैनरियोटाइड, इनको हम पेसिरोटाइड को यूज़ कर सकते हैं। ऑक्टियोटाइड लैनरियोटाइड बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं है लेकिन पेसिरोटाइड के रिस्पॉन्सेज इसमें अच्छे हैं और यह ACTH रिडक्शन में काम आ सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने समझा कि कशिंग सिंड्रोम के केसेस किस किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। लास्ट में आइए समझ लेते हैं कि एक एल्गोरिथम के माध्यम से कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्टिंग्विश किया कि केस ACTH डिपेंडेंट है या ACTH इंडिपेंडेंट। अगर ACTH डिपेंडेंट है तब हमने MRI पिट्यूटरी करा के ये देखा कि पिट्यूटरी एडिनोमा है या पिट्यूटरी एडिनोमा हमें नहीं दिखा। अगर पिट्यूटरी एडिनोमा दिख गया तो ट्रांसस्फेरॉइडल हाइपोफिजेक्टमी करके रिमूव कर दिया। अगर पिट्यूटरी एडिनोमा नहीं दिखा तो हमने इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग किया। अगर उसमें हमें ग्रेडियंट ज़्यादा मिला तो हमने अंदाज से फिर ट्रांसस्फेरॉइडल सर्जरी कर दी। अगर ग्रेडियंट कम मिला तो इसका मतलब एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन हो सकता है। एक्टोपिक ACTH के लिए हमने थोरैक्स एब्डोमेन का थिन स्लाइसेस के साथ में CT स्कैन कराया। अगर उसमें हमने ट्यूमर मिल गया तो हमने ट्यूमर रिमूव किया। अगर तब भी ट्यूमर नहीं मिला अब क्या करें? तो अब हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम बाइलेटरल एड्रिनलेक्टमी कर दें, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर हमारा नॉन लोकलाइजेबल ट्यूमर है एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन वाला तो हमने बाइलेटरल एड्रिनलेक्टमी कर दी। अब नॉन ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम जो एड्रिनल ओरिजिन का है, हमने उसके लिए CT एड्रिनल कराया। अगर यूनिलेटरल ट्यूमर मिला तो ट्यूमर निकाल दिया। बाइलेटरल हाइपरप्लेजिया है तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि बाइलेटरल एड्रिनलेक्टमी करें और उस पेशेंट को एड्रिनल्स तो निकल गई, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड या हम बाहर से सप्लीमेंट करते रहे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कशिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट, जो कि अलग अलग कारणों का अलग अलग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, मुख्य रूप से सर्जिकल, जहां इन ऑपरेबल हो वहां पर मेडिकल मैनेजमेंट यह हम लोग कर सकते हैं। लास्ट में इनके साथ में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट का भी ध्यान रखना होगा। मेजर प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं कशिंग सिंड्रोम के केस को? एक तो प्रॉब्लम आती है कि निगेटिव कैटाबोलिज्म के कारण से, तो उसके लिए हमें पेशेंट को प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट देनी होगी। ओबेसिटी और हाइपरटेंशन के लिए लो सॉल्ट लो फैट डाइट देनी होगी। मसल मास कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है, उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज जो वेट रिडक्शन में भी हेल्प करे। कैल्शियम विटामिन डी बोन्स के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव एंटी डायबिटिक्स जो इससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज है उनके लिए। तो यह सपोर्टिव थेरेपी स्पेसिफिक थेरेपी के अतिरिक्त हमको यूज़ करनी होगी। अगर हमने इन सब को ठीक प्रकार से अपने पेशेंट में उपयोग में लाए तो पेशेंट की प्रोग्नोसिस बेहतर है, क्रमशः उसके सिम्टम्स कम होते रहते हैं। अगर हमने पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट ना किया तो अधिकांश रोगी 5 सालों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। जब ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ लक्षण हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं,
कुछ लक्षण हैं जो टाइम लगाते हैं, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर काफ़ी समय तक रहते हैं, सरल ओबेसिटी, मायोपैथी, बोन फीचर्स बहुत लंबे समय तक रहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस यह क्रमशः जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्रेजुअली इम्प्रूव होती जाती है। तो यह बातों का हमें ध्यान रखना है। अधिकांश केसेस रिकवर कर जाते हैं, निर्भर करता है कि कॉज क्या है। कशिंग डिजीज और एक्टोपिक एसीटीएस सिंड्रोम, एक्टोपिक एसीटीएस सिंड्रोम में अगर हमें ट्यूमर मिल गया, हमने उसको निकाल दिया, तो रिमार्केबल रिकवरी भी तो होती है। जैसे लक्षण बहुत ज़्यादा है वैसे ही हमें एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। एसीटीएस डिपेंडेंट डिजीज में ठीक ठीक, एड्रिनल कॉजेज में हमें रिकवरी और जो ओवरऑल सिम्टोमेटिक रिलीफ है वह भी सबसे कम मिलती है। तो सबसे ज़्यादा परेशान है पेशेंट एक्टोपिक एसीटीएस सिंड्रोम में। यदि इसमें ट्यूमर लोकलाइज कर लिया तो ट्यूमर रिमूवल से रिकवरी इसकी बेस्ट है। अधिकांश केसेस जो एसीटीएस डिपेंडेंट कशिंग डिजीज के हैं उनमें इंटरमीडिएट रिकवरी है, मोर देन 60%। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने कशिंग सिंड्रोम को, उसकी इटियोलॉजी, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसकी डायग्नोसिस और उसके मैनेजमेंट, इन चार खंडों में डिस्कस किया। अगले वीडियोस में हम लोग हाइपोकॉर्टिसोलिज्म की स्टेट को, जिसमें एडिसन्स डिजीज भी है, इनको डिस्कस करेंगे, इसी प्रकार चार खंडों में अलग अलग। धन्यवाद।